नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार पुलिस ने बताया सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण। बिहार के प्रमुख जेलों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे व सुरक्षा उपकरण। टैक्स देने में बिहार बना नंबर वन। RRR सॉन्ग नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता ऑस्कर अवार्ड। श्रेयस अय्यर अहमदाबाद टेस्ट से हुए बाहर। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर PMCH में बेड रिजर्व। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर एक तरफ जहां केंद्र सरकार के द्वारा बिहार समेत देश के पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर इस अलर्ट के तहत बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अस्पतालों में तैयारियां शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि राज्य सरकार और विभाग के द्वारा सभी जिलों को H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर जागरूकता अभियान को शुरू करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा अस्पतालों में बेड और दवाइयां समेत सभी चीजें उपलब्ध रखने को सिविल सर्जन को कहा गया है। वहीं इस बीमारी को देखते हुए PMCH प्रशासन काफी अलर्ट मोड में है और फिलहाल PMCH में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पीड़ित मरीजों के लिए 20 बेड को रिजर्व कर दिए गए हैं। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान शहीद को दी गई नम आंखों से विदाई। बिहार के सारण के लाल लांस नायक शशि कुमार पांडे ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान देश के लिए शहीद हो गए थे। वहीं बीते दिन यानी कि रविवार के देर शाम में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान शहीद जवान के शव पर सारण जिला प्रशासन की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। बता दें कि शशि कुमार पांडे 10 मार्च 2023 को शहीद हुए थे। वहीं शहीद जवान की पत्नी को अनुदान के रूप में सारण जिला अधिकारी राजेश मीना के द्वारा 11 लाख रुपए की राशि दी गई है। बता दें कि उनके निधन की खबर जैसे ही उनके घर पहुंची, पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। वहीं क्षेत्रवासी उनके अंतिम दर्शन को लेकर उनके घर भी पहुंचने लगे थे। बिहार पुलिस ने बताया सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण। आए दिन हमें सड़क दुर्घटना से जुड़ी खबर सुनने को मिलती है, जिसमें कई लोग अपने जान को गवा देते हैं तो वहीं कई लोगों की स्थिति बेहद खराब हो जाती है। बता दें कि अब इस बात की जानकारी बिहार पुलिस के द्वारा ट्वीट करके दी गई है। इस ट्वीट में यह बताया गया है कि सड़क दुर्घटना के पीछे का मुख्य कारण क्या है। बता दें कि दी गई जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना में हुई मौतों की मुख्य वजह तेज गति और गलत दिशा में वाहन चलाने को बताया गया है। मालूम हो कि तेज गति से होने वाले मौतों का प्रतिशत 30 है, तो वहीं गलत दिशा में वाहन चलाने से हुई मौत का प्रतिशत 12 है। इसलिए बिहार पुलिस के द्वारा यह कहा गया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और वाहन की रफ्तार स्पीड लिमिट से अधिक न रखें। RRR सॉन्ग नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता ऑस्कर अवार्ड। इस बार भारतीयों के बीच ऑस्कर अवार्ड को लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई थी, जो अब खत्म हो चुकी है। दरअसल डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR ने इतिहास रच दिया है। बता दें कि RRR फिल्म के गाने नाटू नाटू ने अपने नाम बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड कर लिया है, जिससे पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ाई है। वहीं सोशल मीडिया पर RRR की टीम को जमकर बधाइयां दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर ऑस्कर अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु अवार्ड जिस भारतीय फिल्म ने अपने नाम किया है, उसका नाम कार्तिकी गोंजालेस द्वारा निर्देशित और गुनीत मोंगा द्वारा निर्मित द एलिफेंट विस्पर से। बता दें कि यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर वर्ष 2022 में दिसंबर में रिलीज की गई थी। टैक्स देने में बिहार बना नंबर वन। पिछले दिनों GST काउंसिल की नई दिल्ली में हुई 39वीं बैठक में टैक्स संग्रह में बढ़ोतरी पर चर्चा की गई, जिसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि देश के साथ साथ अब बिहार की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौट आई है। बता दें कि इस चर्चा से यह भी बात निकलकर सामने आई है कि GST संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। मालूम हो कि फरवरी 2022 की तुलना में फरवरी 2023 में 1,49,577 करोड़ रुपए का GST राजस्व हुआ है, जो कि 12% अधिक है, जबकि इस अवधि में बिहार में 24% अधिक GST संग्रह हुआ है। बता दें कि यह देश की तुलना में लगभग दोगुना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के GST संग्रह में यह वृद्धि पिछले दिनों वाणिज्य कर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का नतीजा है। बिहार के प्रमुख जेलों में लगेंगे CCTV कैमरे व सुरक्षा उपकरण। राज्य के सभी प्रमुख जेलों में सुरक्षा को देखते हुए दो चरणों में CCTV कैमरे और सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे। बता दें कि पहले चरण में जिन जेलों में यह कार्य पूरा किया जाएगा, उसमें पटना का बेउर जेल, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, हाजीपुर, छपरा, गोपालगंज, सिवान, गया, औरंगाबाद समेत अन्य जिले शामिल है। बता दें कि राज्य के सभी 57 जेलों में अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और साथ ही अन्य इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षात्मक उपकरण भी लगाए जाएंगे, जिनमें नाइट विजन कैमरा यानी कि रात में या बिना प्रकाश के भी तस्वीरें लेने वाले कैमरे, उच्च
क्षमता के स्कैनर जैसे प्रमुख उपकरण शामिल है। इसके अलावा जेलों में लैंडलाइन फोन की भी खास तौर पर चालू रखा जाएगा ताकि समय पड़ने पर उससे बातें की जा सके, और साथ ही कैदियों के लिए भी इसकी व्यवस्था की जाएगी ताकि वे निश्चित समय में अपने परिजनों से बात कर सके। मालूम हो कि इन सभी विशेष उपकरण के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। NMCH के लापता डॉक्टर को खोजेगी नेवी। पिछले 12 से अधिक दिनों से लापता NMCH के फार्माकोलॉजी विभाग के अध्यक्ष सह परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार को लेकर अब तक पुलिस को कोई जानकारी या सुराग नहीं मिल पाई है। वहीं दूसरी तरफ गंगा में उनकी तलाश करने को लेकर नेवी को बुलाने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। वहीं अब मीडिया में ऐसी खबर चल रही है कि NMCH के लापता डॉक्टर को खोजने के लिए नेवी की मदद ली जाएगी। इस संबंध में पटना पुलिस के द्वारा जिलाधिकारी और गृह विभाग से पत्राचार किया गया है। वहीं अब तक डॉक्टर से जुड़ी कोई खबर न मिलने पर चिकित्सकों के द्वारा IMA भवन से पटना JP गोलंबर तक पैदल मार्च किया गया। इसके अलावा डॉक्टर की पत्नी प्रोफेसर सालनी के द्वारा सरकार से गुहार भी लगाई गई और कहा गया कि सरकार जल्द से जल्द उनके डॉक्टर पति को ढूंढ निकाले। समस्तीपुर का अमरजीत पहुंचा इंडियन आइडल में। बिहार के समस्तीपुर के अमरजीत जयकर आज किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। बता दें कि अब वह अपने आवाज के बदौलत इंडियन आइडल के मंच पर पहुंच चुके हैं। मालूम हो कि शो में वह स्पेशल गेस्ट के रूप में पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपने सुरों का जादू भी बिखेरा जिसे सुन सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं उनके गाने को सुन गायक हिमेश रेशमिया भी भावुक हो गए। इसके बाद हिमेश रेशमिया के द्वारा खुद का गाया एक गाना भी अमरजीत से गवाया। बाद में रेशमिया ने कहा कि इस गाने को मोहम्मद इरफान ने अपना आवाज दिया था, लेकिन आपने इस गाने कंपोजिशन को फ्रेशनेस दिया तो यह गाना आपका हुआ। जिसके बाद हिमेश रेशमिया ने बताया कि वह इसी हफ्ते अमरजीत के साथ गाने को रिकॉर्ड करेंगे। वहीं गायक विशाल के द्वारा अमरजीत को इंडियन आइडल के अगले सीजन में आने का भी न्योता दे दिया गया। दरभंगा एयरपोर्ट पर मिथिला की कला से हो रूबरू। बीते दिन यानी कि रविवार को बिहार सरकार के जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट और एयरफोर्स स्टेशन की बाढ़ और जल जमाव से पुख्ता सुरक्षा तथा देश विदेश से दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों को मिथिला की कला से रूबरू कराने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों का स्थल निरीक्षण किया गया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस योजना के अंतिम चरण के बचे हुए कामों को 15 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाए। मालूम हो कि दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले लोगों को मिथिला की कला से रूबरू कराया जा सके, इसके लिए एयरपोर्ट के मुख्य द्वार की तरफ मिथिला आर्ट के 10 बड़े शिलापट भी लगाए जा रहे हैं और साथ ही पौधारोपण भी कराया जा रहा है। अमित शाह के बिहार दौरे से ये होगा असर। एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। बता दें कि बिहार में उनका यह दौरा 2 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती पर होने वाला है। मालूम हो कि इस दिन अमित शाह रोहतास के जिला मुख्यालय सासाराम में जनसभा करेंगे और साथ ही नवादा में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमित शाह का यह बिहार दौरा 6 महीने में उनका 4था बिहार दौरा होगा। बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह का यह बिहार दौरा महागठबंधन के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है और आने वाले समय में महागठबंधन के टेंशन को और भी बढ़ा सकता है। वहीं अमित शाह के 2 अप्रैल को इस दौरे को जातिगत नजरिए से भी देखा जा रहा है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि सासाराम दौरे के दौरान अमित शाह सम्राट अशोक के शिलालेख को भी देखने जा सकते हैं। विधानसभा में सत्ता पक्ष व विपक्ष में नोकझोंक। आज से एक बार फिर से बिहार विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। मालूम हो कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के द्वारा किशनगंज में असामाजिक तत्वों के मंदिर जलाने को लेकर मांग करते हुए कहा गया कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए, जिस पर सत्ता पक्ष के द्वारा जमकर विरोध किया गया। इस दौरान सदन में काफी शोरगुल रहा। हालांकि स्पीकर के द्वारा दोनों पक्षों को शांत कराकर प्रश्नकाल शुरू किया गया, जिसमें राजद विधायक भाई वीरेंद्र के द्वारा ईडी की छापेमारी पर सवाल उठाया। वहीं बीजेपी विधायक जीवेश कुमार के द्वारा बिहार में शराबियों को लेकर अपनी मांग उठाई। यूपी में सपा के साथ जाएगी जदयू। जेडीयू के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके इसके लिए जेडीयू के द्वारा नागालैंड चुनाव में जमकर प्रयास किया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। वहीं अब जेडीयू अपने इसी प्रयास को यूपी में भी जारी रखने वाला है। बता दें कि यूपी में जेडीयू ने अखिलेश यादव के पार्टी सपा के साथ जाने की घोषणा की है। इस बात का खुलासा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा किया गया है। दरअसल उन्होंने ये सभी बातें बीते दिन लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होली मिलन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन करती है तो वह समाजवादी पार्टी यानी सपा के साथ करेगी। पार्टी उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू करेगी और लगभग 5 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पप्पू यादव का केंद्र सरकार पर जमकर हमला।
बीते दिनों जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहार के अररिया में जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर भारत को बीजेपी मुक्त बनाना है तो कांग्रेस को अपने आप को और भी मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सभी सुरक्षा एजेंसियां आज के समय में केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है। इन सभी सुरक्षा एजेंसियों और चुनाव आयोग की मदद से सभी लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में अघोषित तरीके से कर्फ्यू लगा हुआ है। अगर पिछले 9 सालों से केंद्र सरकार इन मुद्दों को लेकर चुप क्यों थी? केंद्र चाहती है कि बिहार में नीतीश और लालू एक ना हो। इन सब के विरुद्ध विपक्ष को एक साथ आकर खड़ा होना होगा और खुद को मजबूत बनाना होगा। अब घरों से ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, अब सड़क पर उतरने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब मरने की तैयारी करनी होगी और आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। श्रेयस अय्यर अहमदाबाद टेस्ट से हुए बाहर। भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर कमर के निचले हिस्से में दर्द के कारण मौजूदा अहमदाबाद टेस्ट से बाहर हो गए हैं। इस बात की पुष्टि बीसीसीआई के द्वारा कर दी गई है। बीसीसीआई ने कहा है कि श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में अब हिस्सा नहीं लेंगे। एक विशेष विचार लेने के बाद यह फैसला लिया गया। ऐसे में अब अय्यर के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में खेलने पर भी सस्पेंस बन गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 मार्च से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इस बात की पुष्टि नहीं पाई है कि अय्यर आगामी वनडे सीरीज में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं। बता दें कि श्रेयस अय्यर ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के तीसरे दिन कमर के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत की थी, जिसकी वजह से वह बल्लेबाजी करने भी नहीं उतरे थे। जब रविंद्र जडेजा और केश भरत को अय्यर से पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया, तब बीसीसीआई ने अपडेट दी थी। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, उमेश ऋषिदेव, कुमारी संजना, मृत्युंजय कुमार, विपिन लाल वर्मा, कमलेश शर्मा, नुनु गोलू कुमार, रविशंकर, मोहम्मद नौशद राजा, एचके मल्होत्रा, मोहम्मद सकीर हुसैन, शंकर मुखिया, रंजीत मिश्रा, रोशन पासवान, निशार आलम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अमित शाह के बिहार दौरे से बीजेपी को कितना फायदा पहुंचेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।